रहमान रहीम, अस्सलाम वालेकुम। मेरा नाम अफ़ान है और आज मैं आपको ट्राइंगल्स के बारे में बताऊंगा। ट्राइंगल ऐसी ज्योमेट्रिकल शेप होती है जिसके एंगल होते हैं, तीन एंगल होते हैं और तीन साइड्स होती हैं। इनके तीन एंगल हैं ए, बी एंड सी, और इन्हें हम इस तरह से लिखते हैं, एंगल ए, एंगल बी एंड एंगल सी। और इसकी तीन साइड्स होती हैं, एंगल लाइन सेगमेंट ए बी, लाइन सेगमेंट बी सी, लाइन सेगमेंट सी ए, और हम इन्हें इस तरह लिखते हैं, मेयर लाइन सेगमेंट ए बी, मेयर लाइन सेगमेंट एंड बी सी, मेयर लाइन सेगमेंट सी ए। इसके बाद हम इसकी डिफरेंट शेप बनाने के लिए इसको इसकी क्लासिफिकेशन कर देते हैं बाय साइड्स एंड बाय एंगल्स। बाय साइड्स हम तीन तरह से क्लासिफिकेशन करते हैं, स्केलिन ट्राइंगल, आइसोसेलीस ट्राइंगल, इक्विलेटरल ट्राइंगल। स्केलिन ट्राइंगल जिसकी तीनों साइड की लेंथ डिफरेंट होती है, और इस ये होती है कि तीनों साइड की लेंथ इसकी डिफरेंट है। आइसोसेलीस ट्राइंगल जिसकी दो साइड की लेंथ डिफरेंट होती है, इक्वल होती है, जिसकी दो साइड की लेंथ इक्वल होती है। आखिर में इक्विलेटरल ट्राइंगल, ऐसी ट्राइंगल जिसके तीनों साइड की लेंथ इक्वल होती है। इसके बाद हम बाय एंगल्स क्लासिफाई करते हैं तीन में, एक्यूट एंगल ट्राइंगल, राइट एंगल ट्राइंगल एंड ऑब्ट्यूस एंगल ट्राइंगल। एक्यूट एंगल ट्राइंगल एंड ऐसे ट्राइंगल होते हैं जो जीरो से अबव होते हैं, बड़े होते हैं, और 90 डिग्री से छोटे होते हैं। हैं जैसे कि ये 90 डिग्री से छोटे हैं तीनों एंगल्स और ज़ीरो से बड़े हैं। उसके बाद है राइट एंगल ट्राइंगल, जो जिसमें एक एंगल 90 डिग्री का होता है वो कहलाते हैं राइट एंगल ट्राइंगल। बाद में ऑब्ट्यूस एंगल ट्राइंगल, ऑब्ट्यूस एंगल ट्राइंगल वो होती है जिसके 90 डिग्री से जिसका एक एंगल बड़ा होता है और 180 डिग्री से वो छोटी होती है, और वो ये मैंने बनाई है 100 डिग्री की। आगे है इंटीरियर एंड एक्सटीरियर एंगल्स, जो ट्राइंगल के अंदर एंगल्स होते हैं वो कहलाते हैं इंटीरियर एंगल्स, और जो बाहर होते हैं वो कहलाते हैं एक्सटीरियर एंगल्स। जैसे कि मैंने ये ट्राइंगल बनाई है, इसमें ए बी और सी ये है इंटीरियर एंगल्स, और डी ई और एफ ये है एक्सटीरियर एंगल्स। अब इसकी बेसिक दो प्रॉपर्टीज़ हैं, सम ऑफ एंगल्स ऑफ अ ट्राइंगल एंड इनइक्वालिटी प्रॉपर्टी। अब सम ऑफ ट्राइंगल्स के तीनों साइड्स के जो एंगल्स हैं उनका सम जो है 180 डिग्री है, 180 डिग्री होता है। आगे इनइक्वालिटी प्रॉपर्टी, इनइक्वालिटी प्रॉपर्टी में जो ट्राइंगल की दोनों दो साइड है उनका सम जो होता है वो तीसरी साइड से हमेशा बड़ा होता है। जैसे कि मैंने मेयर लाइन सेगमेंट ए बी और मेयर लाइन सेगमेंट बी सी को मैंने प्लस किया है तो इसका आंसर 6 सेंटीमीटर आया है, और ये उसकी तीसरी साइड से बड़ा है। आखिर में है प्रॉपर्टीज़ ऑफ आइसोसेलीस ट्राइंगल। प्रॉपर्टीज़ ऑफ आइसोसेलीस ट्राइंगल वो होता है जिसकी दो साइड्स इक्वल होती हैं, और इसकी दोनों साइड्स के जो ऑपोजिट एंगल होते हैं वो भी इक्वल ही होते हैं। थैंक यू।